नमस्कार दोस्तों, बात करेंगे एक बैंक के बारे में जिसमें बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे। और बेसिकली मैं आपको बताऊंगा, ना यहाँ पे दिखेगा ना यहाँ पे वॉल्यूम आते हुए देखने को मिल रहे हैं, और एक आर्टिफिशियल तेजी आपको देखने को मिल रही है। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस पर फोकस कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इस समय किसी भी बैंक को सेलेक्ट अगर कर रहे हैं तो कम से कम टॉप 5 बैंकों में आपको जाना है। टॉप 5 टू टॉप 7 to 9 बैंकों में ही आपको जाना है, क्योंकि वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी बेटर हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, बेसिकली अगर आप चेकआउट करेंगे कि इन्फ्लेशन जिस तरीके से पीक पे जाता हुआ देखने को मिल रहा है, तो लोगों के देखिएगा जो पॉकेट है, जो लोगों के देखिएगा महंगाई दर है, उससे जो पॉकेट पे देखिएगा जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, उससे कई तरीके के NPA, कई तरीके के डिफॉल्ट होने की आशंका भी बहुत है। तो इसीलिए केवल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप इन बैंकों पे फोकस कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे फोकस मत करिएगा। और इसकी मैं 2 नहीं 3 वजह आपको बताऊँगा। तो पहले हम लोग बात करते हैं किस बैंक की बात कर रहे हैं। तो बैंक बात कर रहे हैं हम लोग RBL बैंक की। RBL बैंक के लिए सबसे बड़ी देखिएगा एक अपडेट तो ये है कि हो सकता है ये ज़्यादा दिन तक निफ्टी बैंक के देखिएगा जो इंडेक्स में है वो इंक्लूडेड ना रहें। हो सकता है निफ्टी बैंक के ये पर्टिकुलर देखिएगा जो लिस्ट में है उससे भी निकाले जा सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आप, अब ऐसा क्यों हो सकता है? आप किसी भी इंडेक्स का हिस्सा तब तक ही बने रहते हैं जब तक आप वेल परफॉर्मर होते हैं, और जब तक आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे होते हैं, जब तक आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा होता है, ये सब पैरामीटर होते हैं। जब पैरामीटर ख़राब होने लगते हैं तो आप देखते हैं निफ्टी में से कई सारे स्टॉक निकाले जाते हैं, कई सारे स्टॉक देखिएगा निफ्टी में इंक्लूड होते हैं। इसी तरीके से निफ्टी बैंक में भी होता है कि कई सारे बैंक देखिएगा निकाले भी जाते हैं और कई सारे इंक्लूड भी किए जाते हैं। हाल फिलहाल में देखिएगा RBL बैंक के साथ कितने बड़े ड्रॉबैक हैं और ये क्यों निकाले जा सकते हैं, ये जानना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक्सक्लूड किए जा सकते हैं और किसके पोटेंशियल चांसेस हैं, मैं ये भी बताऊंगा आपको। लेकिन पहले जान लेते हैं, देखिएगा निफ्टी बैंक में जो स्टॉक होते हैं वो सीधा सीधा इम्पैक्ट डालते हैं किस पे? निफ्टी इंडेक्स पे, यानी कि जो निफ्टी बैंक का इंडेक्स है उस पे इम्पैक्ट डालते हैं। अगर वो स्टॉक ऑलरेडी वीक हैं, अगर वो स्टॉक अच्छे वेल परफॉर्मर नहीं है, या फिर उनके पैरामीटर अच्छे नहीं हैं, उनमें लिक्विडिटी की कमी है, तो आपको पता है कि निफ्टी बैंक में वो स्टॉक ज़्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाते हैं। तो अब अगर माना जाए तो हो सकता है अपकमिंग टाइम में RBL बैंक की जगह पे बैंक ऑफ बड़ौदा को देखिएगा हिस्सा मिल सकता है। अब बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इस पर्टिकुलर बैंक में PSU का देखिएगा, अगर कहा जाए PSU का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है, और इन्होंने हाल फिलहाल में काफ़ी अच्छे क्वार्टर के रिजल्ट दिए हैं, और इस बैंक में लिक्विडिटी इंक्रीज हुई है हाल फिलहाल के 3 क्वार्टर में। तो इसलिए पोटेंशियल चांसेस हैं कि हो सकता है RBL बैंक को रिप्लेस करे बैंक ऑफ बड़ौदा। जस्ट अभी अपडेट्स आ रहे हैं धीरे धीरे, कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन आपको मैं बता देता हूं जो पैरामीटर होते हैं उस पर खरा उतरना होता है। अगर वो खरा उतर रहे हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं उतर रहे हैं तो आपको पता है फिर दिक्कतें होना शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कौन से बड़े बड़े देखिएगा अपडेट्स हैं। पहला अपडेट क्या है पैरामीटर में देखिएगा कि RBL बैंक अगर आप देखेंगे तो कोविड के बाद से अगर आप देखेंगे तो सारे बैंकों ने एक टर्न अराउंड लिया, सारे बैंकों ने एक वी शेप रिकवरी करी, लेकिन RBL बैंक में वैसी वी शेप रिकवरी नहीं देखने को मिली। इसका बड़ा रीज़न क्या रहा? इनके क्वार्टर के रिजल्ट अगर आप चेकआउट करोगे तो इनके क्वार्टर के रिजल्ट में कोई खासा इंप्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है। रेवेन्यू 32% अप हुए हैं, नेट इनकम 17% डाउन है, डायल्यूटेड EPS 22% और नेट प्रॉफिट मार्जिन 37%। अब ये तो हो गई एक क्वार्टर की बात, चलिए बात करते हैं सितंबर क्वार्टर की। तो सितंबर क्वार्टर में अगर आप रेवेन्यू भी देखेंगे वो भी डाउन है, नेट इनकम 93% डाउन है, EPS 94% डाउन है, नेट प्रॉफिट मार्जिन 93% डाउन है। तो आप समझ सकते हैं ये पिछले सितंबर क्वार्टर की है। अगर उससे पहले चले जाएंगे जून क्वार्टर में तो रेवेन्यू 66% डाउन है, नेट इनकम 400% तक यहाँ पे डाउन देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन
990% तक डाउन देखने को मिल रहा है। तो आप देखेंगे कि जब फाइनेंशियल खराब हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा पैरामीटर होता है, क्योंकि निफ्टी बैंक में वही सदस्य होगा जो अच्छा वेल परफॉर्मर होगा, जिसकी बैलेंस शीट अच्छी होगी, जो कई सारे पैरामीटर पे अच्छा उतरता होगा। तो अगर हाल फिलहाल में इनके क्वार्टर के रिजल्ट देखें तो वो अच्छे नहीं रहे, ये इनका पहला वीक पॉइंट है। सेकेंड वीक पॉइंट होता है जब इस तरीके के क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं, तो आपको पता है लिक्विडिटी एक मेजर फैक्टर होता है। जब आप अच्छी तरीके से इन्वेस्टर को पैसा बना के नहीं दोगे तो धीरे धीरे लिक्विडिटी डाउन होते हुए देखने को मिलती है। तो वो लिक्विडिटी कैसे डाउन हो रही है मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखो यहाँ पे वॉल्यूम देखिएगा। पहले मैंने डे चार्ट पे आपको दिखाया है वॉल्यूम, फिर अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे देखिएगा 5 डे चार्ट में, तो देखिएगा कब देखिएगा इसमें आपको वॉल्यूम बीच बीच में कभी कभार वॉल्यूम आता है, वरना यहाँ पे वॉल्यूम नाम की कोई चीज़ आपको देखने को नहीं मिल रही है। अब थोड़ा सा और भी जाते हैं तो आप देखेंगे तो 22 जनवरी के आसपास यहाँ पे देखिएगा वॉल्यूम देखने को मिल रहे थे, तब से अगर आप देखेंगे तो 2-3 महीने से यहाँ पे वॉल्यूम देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लिक्विडिटी एक सेकेंड कंसर्न होता है, क्योंकि लिक्विडिटी अगर रहेगी तभी जब निफ्टी बैंक परफॉर्म करेगा, इंडेक्स परफॉर्म करेगा, तो और जो बैंक के स्टॉक है, निफ्टी बैंक के जो स्टॉक है, वो भी परफॉर्म करेंगे। अगर वो परफॉर्म नहीं करें तो इसका मतलब ये है कि उसमें लिक्विडिटी की कमी है। तो लिक्विडिटी की कमी भी यहां पे देखने को मिल रही है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छे नहीं है, और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि आरबीआई ने यहां पे देखिएगा एग्जामिन किया है। आरबीआई ने भी देखिएगा कई सारे देखिएगा स्टेटमेंट, जैसे इनके डायरेक्टर को हटाया गया और समथिंग, जो भी चीज़ें आपको देखने को मिली, जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो आरबीआई ने नियुक्त किया है, तो ये सारी चीज़ें भी अभी कंसर्न में भी हैं। ये आरबीआई के थ्रू अगर आप देखेंगे तो अभी कंसर्न में भी हैं। तो ये सारी चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि अभी फंडामेंटल इतने स्ट्रांग नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए बेट करी जाए। लॉन्ग टर्म के लिए बेट करनी है तो पोटेंशियल स्टॉक में जाइएगा। क्यों जाइएगा? कोविड है, अगर आप देखेंगे कोविड के बाद यूक्रेन इशू है, फिर इन्फ्लेशन है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए पोटेंशियल स्टॉक ही आपको वेल परफॉर्मेंस देंगे। अदरवाइज ये छोटे स्टॉक ट्रेडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अब बात करते हैं स्टॉक के, देखिएगा लेवल्स की। तो स्टॉक के लिए नीचे सबसे बेस सपोर्ट बन रहा है 115 के आसपास, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ से स्टॉक ने कई बार टर्न अराउंड लिया है। अभी के लिए सपोर्ट बन रहा है 130 के आसपास, जहाँ से स्टॉक ने एक देखिएगा ब्रेकआउट दिया है। अगर चेकआउट करेंगे तो यहाँ से ब्रेकआउट देखने को मिला है, और अगर स्टॉक देखिएगा 140 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो आपको 145 और 149 बेस्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे स्टॉक के लिए। ये डिपेंड करेगा निफ्टी बैंक की परफॉर्मेंस पे। तो ट्रेडर के लिए लेवल मैंने बता दिए हैं, बाकी इन्वेस्टर जितने पूछ रहे थे कि इन बैंक में क्या करना चाहिए, तो दोस्तों आपको ये इन बैंकों में केवल ट्रेडिंग करनी है, इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।